जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही चैनल पॉसिबल 11 पर। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ यूएई T20 लीग की, जो कि गल्फ जेंट्स बनाम वाइपर्स के बीच ये मैच होने वाला है। इसमें फैंटेसी टिप्स क्या है, मैच प्रीव्यू कैसा रहा था, टीम में कोई अपडेट तो नहीं हुआ है, पिच रिपोर्ट कैसी है, आपको सारी जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। लेटेस्ट न्यूज और लाइव अपडेट के लिए अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। फ्रेंड्स तो चलते हैं स्क्रीन की तरफ। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेता हूं, गल्फ जेंट्स बनाम वाइपर्स के बीच मैच होगा, इसमें 5,000 रुपए का फ्री गिफ्ट रखा गया है। तो अभी तक भी आपने पॉसिबल 11 ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो जल्दी से जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से पॉसिबल 11 को डाउनलोड कर सकते हैं। फ्रेंड्स बात करता हूं, यहां पर अगर आप फर्स्ट रैंक लाते हो तो आपको 500 रुपए का फ्री गिफ्ट दिया जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं यहां पर मैच वेन्यू की, तो बता दूं ये मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम दुबई यूएई में दोस्तों ये मुकाबला खेला जाएगा। नेक्स्ट बात करता हूं यहां की पिच रिपोर्ट की, तो बता दूं अब ये दोस्तों बैटिंग पिच है, अभी तक टोटल यहां पर 85 मैचेस प्लेड हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट बॉल 39 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉल 45 मैचेस, जो एवरेज स्कोर रहा है दोस्तों इस पिच का वो रहा है 144। नेक्स्ट बात करता हूं यहां पर वेदर रिपोर्ट की, जो यहां का तापमान रहने वाला है 21 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है जिस दिन मैच होगा, और 7.5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से विंड। नेक्स्ट बात करता हूं दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम स्कोर रिकॉर्ड की, तो बता दूं दोस्तों अभी तक 85 मैचेस टोटल यहां पर प्लेड हुए हैं, जिसमें बैटिंग फर्स्ट बॉल 39 मैचेस एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉल 45 मैचेस, एवरेज की बात करूं तो बैटिंग फर्स्ट बॉल 45% एंड बॉलिंग फर्स्ट बॉल 52%, फर्स्ट इनिंग एवरेज स्कोर इज 144 एंड सेकंड इनिंग एवरेज स्कोर इज 127, हाईएस्ट टोटल 212 टू विकेट के साथ एंड लोएस्ट टोटल 55 10 विकेट के साथ, हाईएस्ट 185 8 विकेट के साथ एंड लोएस्ट 134 7 विकेट। दोस्तों यहां पर बात करता हूं गल्फ जेंट्स प्लेइंग 11 की, तो बता दूं रेहान अहमद, जेम्स विंस जो कि कप्तान है दोस्तों गल्फ जेंट्स के, क्रिस लिन, टॉम बेंटम जो कि विकेट कीपर है दोस्तों गल्फ जेंट्स के, सिमरन एटमायर, अयान खान, डेविड वेस, इरास्मस, क्रिस जॉर्डन, संचित शर्मा, डोमिनिक ड्रैक्स, दोस्तों ये आप प्लेइंग 11 देख सकते हैं जो कि गल्फ जेंट्स की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ वाइपर्स पॉसिबल प्लेइंग 11 की, तो बता दूं रोहन मुस्तफा, एलेक्स सेल्स, कॉलिन मोर्नो जो कि कप्तान है दोस्तों वाइपर्स टीम के, सैम बिलिंग्स जो कि विकेट कीपिंग करेंगे वाइपर्स टीम की ओर से, वानिंदु असरंगा, सैरफर रदरफोर्ड, टॉम करन, एटिक्सन, ल्यूक वुड, सेल्डन कॉटरेल, सहराज अहमद पिया, दोस्तों आप ये प्लेइंग 11 देख सकते हैं जो कि वाइपर्स टीम की प्लेइंग 11 है। नेक्स्ट बात करता हूँ गल्फ जेंट्स बनाम वाइपर्स टीम 11 प्रिडिक्शन की, तो वाइपर्स कुछ मैच अच्छे जीती है तो इसके जीतने के चांसेस ज़्यादा बनते हैं दोस्तों। नेक्स्ट बात करता हूँ टॉस प्रिडिक्शन की, तो बता दूँ अकॉर्डिंग टू पॉसिबल 11 टॉस प्रिडिक्शन, तो दोस्तों जो टॉस जीतेगी वो वाइपर्स जीतेगी और पहले बल्लेबाजी करने का फैसला करेगी। नेक्स्ट बात करता हूँ गल्फ जेंट्स और वाइपर्स के बीच हेड टू हेड मैच की, तो बता दूं गल्फ जेंट्स एक मैच जीता है, वाइपर्स एक भी मैच नहीं जीता हेड टू हेड। नेक्स्ट बात करता हूँ गल्फ जेंट्स के कुछ मुख्य खिलाड़ी की, जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, प्लेसमस, संचित शर्मा जो कि 202 पॉइंट हैं अभी तक इन्होंने फैंटेसी में बनाए हैं, सिमरन एटमायर 250 पॉइंट फैंटेसी में, आप ड्रीम टीम में हमको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स रियान अहमद जो कि 306 पॉइंट्स के साथ हैं, डेविड वेस 388 पॉइंट्स के साथ हैं, अपनी ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं, जेम्स विंस जो कि 395 पॉइंट्स के साथ हैं, आपको 8 क्रेडिट में मिल जाएंगे, आप ड्रीम टीम में इनको जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। वाइपर्स टीम के कुछ मुख्य खिलाड़ी के नाम बता देता हूं जिनको आप अपनी ड्रीम टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड, कॉलिन मोर्नो, रोहन मुस्तफा, सैरफेन रदरफोर्ड, टॉम करन, सेल्डन कॉटरेल, वानिंदु हसरंगा, ये दोस्तों प्लेइंग 11 आप देख सकते हैं जो कि वाइपर्स की है, इनमें आप कुछ मुख्य खिलाड़ी हैं जो आप अपनी टीम में जरूर सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेता हूं गल्फ जेंट्स बनाम वाइपर्स कैप्टन एंड वाइस कैप्टन चॉइस की, तो आप एज अ वाइस कैप्टन सिमरन एटमायर को आप स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं, जिन्होंने अभी तक फैंटेसी में 250 पॉइंट बनाए हैं दोस्तों, रेहान अहमद जो कि 306 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको जीएल में एज अ वाइस कैप्टन आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स कॉलिन मोर्नो जो कि 324 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको एज अ ग्रैंड लीग में कैप्टन के रूप में सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स जेम्स विंस जो कि 395 पॉइंट्स के साथ हैं, आप इनको स्मॉल लीग में एज अ वाइस कैप्टन सिलेक्ट कर सकते हैं। फ्रेंड्स वानिंदु असरंगा जो कि 441 फैंटेसी पॉइंट्स के साथ हैं, 9 क्रेडिट में आपको मिल जाएंगे, आप इनको स्मॉल लीग में सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स कैप्टन। पॉइंट टेबल की बात करूँ तो वाइपर्स पहले नंबर पर है दोस्तों, जिन्होंने 9 मैच प्लेड किए हैं, 7 में जीत हासिल की है, 2 में इनको हार का सामना करना पड़ा है,
इनका नेट रेट 0.587 और इनके पॉइंट है वो 14 पॉइंट है। गल्फ चैट जो कि 8 मैच प्लेड हुए हैं जिसमें उन्होंने 5 मैच जीते हैं 2 हारे हैं, जो इनका नेट रन रेट है 1.227, जो इनके पॉइंट है वो 12 पॉइंट है दोस्तों। नेक्स्ट बात कर लेता हूं दोस्तों अपनी फैंटेसी टीम की, तो बता दूं मैंने विकेट कीपर में सेम बिलिंग्स को, जेम्स बिन्स, सिमरन हेटमायर, एलेक्स सेल, एस रदरफोर्ड को एज अ बैट्समैन अपनी फैंटेसी टीम में दोस्तों मैंने सिलेक्ट किया है। ऑलराउंडर में डी वेस को, टॉम करन को, बानिंदु असरंगा को एज अ ऑलराउंडर मैंने अपनी टीम में सिलेक्ट किया है फ्रेंड्स। बॉलर में मैंने क्रिस जॉर्डन, सेल्डन कॉटरेल, जी एडिक्सन को दोस्तों मैंने एज अ बॉलर अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है। कैप्टन एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो एज अ कैप्टन मैंने बानिंदु असरंगा को अपनी टीम में दोस्तों कैप्टन के रूप में सिलेक्ट किया है। एंड वाइस कैप्टन की बात करूं तो डी वेस को एज अ वाइस कैप्टन दोस्तों मैंने अपनी फैंटेसी टीम में सिलेक्ट किया है। तो लास्ट 30 मिनट में आपको सारा अपडेट टेलीग्राम पर देखने के लिए मिल जाएगा। तो अभी तक भी आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहां से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं फ्रेंड्स। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो प्लीज वीडियो पर कर दीजिए एक लाइक और एक प्यारा सा कॉमेंट। ऐसे ही आपके लिए फैंटेसी टीम प्रेडिक्शन लाता रहूंगा। तो आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।